बीएसपी सुप्रीमो का कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला। मायावती ने क्यों कहा दोनों दलों को एक ही सिक्के के दो पहलू। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने हिसाब से दलितों को लुभाने में जुटे हैं। एक ओर जहां राहुल गांधी दलितों को लेकर बीजेपी खासकर पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं और खुद को दलितों का असली हमदर्द बता रहे हैं, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दलित के घर खाना खाकर उन्हें रिझाने में लगे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कांग्रेस बीजेपी का ऐसा करने के पीछे ढोंग नजर आ रहा है। दरअसल मायावती ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के दिलों में दलितों के लिए क्या भरा हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले वो झूठा दलित प्रेम दिखाकर उनका वोट लेना चाहते हैं। मायावती के मुताबिक योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को दलितों और पिछड़ों की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ चुनाव के लिए ये लोग दलितों के साथ फोटो खिंचाने का नाटक करते हैं। बकौल मायावती, योगी आदित्यनाथ जब भी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तो भोजन और बर्तन भी साथ लेकर जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू करार देते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि पहले जो कांग्रेस करती थी अब वही बीजेपी के नेता कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की सच्चाई ये है कि ये लोग दलित की छाया भी अपने ऊपर पड़ने देना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि दलित इसकी नौटंकी खूब समझ रहे हैं और वो किसी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। दलित इन लोगों को चुनाव में सबक सिखाएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी हाल ही में प्रतापगढ़ के दौरे पर थे। यहां उन्होंने न सिर्फ चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी, पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों के साथ दलित दयाराम सरोज के घर जाकर भोजन भी किया। इस दौरान योगी ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश समाज के निचले तबके तक लाभ पहुंचाने की है, लेकिन योगी के इस कदम को दलितों को रिझाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।